आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की लाख लाख बधाई। आज हम बनाएंगे धना पंजीरी, या आप इसे सुंटौड़ा प्रसाद भी कह सकते हो। ये रेसिपी बहुत ही झटपट बन जाती है, बहुत आसान तरीके से और स्वादिष्ट भी बनती है। तो चलो इसकी रेसिपी देखते हैं। कृष्ण स्नेहा किचन हिंदी में मैं स्नेहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धना पंजीरी बनाने के लिए गैस पर कढ़ाई चढ़ाते हैं। कढ़ाई में 2 चम्मच घी अच्छे से गरम करके लेते हैं। घी हमारा अच्छे से गरम हो गया है, इसमें डाल देते हैं 1/2 कटोरी बादाम। गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखी है और इसे कंटिन्यू चलाते हुए बादाम को हमें भून लेना है। बादाम हमारे अच्छे से भून चुके हैं, इसे एक डिश में निकाल देते हैं। उसके बाद 1/2 कटोरी काजू लेते हैं, उसे भी कढ़ाई में डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से भून लेते हैं। काजू अच्छे से भूनने के बाद इसे भी निकाल देते हैं। 1/2 कटोरी मखाने लिए है, मखाने को भी हमें कुरकुरा होने तक भून लेना है। अच्छे से कुरकुरे हो गए हैं, अब इसे निकाल देते हैं। उसके बाद 1/6 कटोरी हमने साबुत धना लिया है। गैस की फ्लेम स्लो की है और स्लो आंच पे ही बाकी सामग्री हम भून लेते हैं। धना अच्छे से भूनने के बाद इसे निकाल देते हैं। 1 चम्मच मेथी दाना लिया है, मेथी दाने को भी हल्का सा भूनकर निकाल देते हैं। उसके बाद लिया है 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन। सौंफ और अजवाइन को भी हमें हल्का सा लो फ्लेम पे भून लेना है। अच्छी खुशबू आने के बाद इसे भी निकाल देते हैं। अब हमने 3 चम्मच सफ़ेद तिल लिए हैं, तिल को भी हमें हल्का सा भून लेना है। तिल भी हमारे अच्छे से भून चुके हैं, इसे भी निकाल देते हैं। कढ़ाई में 1/2 चम्मच घी डाल देते हैं और 1 बड़ा चम्मच इसमें खसखस डाल देते हैं। खसखस को भी भूनकर निकाल देते हैं। खसखस बहुत जल्दी भून जाता है, इसलिए ध्यान रखें। 1/2 कटोरी सूखा नारियल लिया है, इसे भी लो फ्लेम पर कुरकुरा होने तक हमें भून लेना है। गैस की फ्लेम हाई रखोगे तो नारियल को ब्राउन कलर भी आ सकता है, इसलिए धीमी आंच पर ही भूने। बारिश का मौसम है तो सूंड थोड़ा सा लूज हो गया था, इसलिए कुरकुरा होने के लिए हमने 4 सूंड के टुकड़े कढ़ाई में भून कर लिए हैं ताकि मिक्सी में आसानी से पीसे। इसे भी निकाल देते हैं। हमने 1 कटोरी भर के गुड़ लिया है, इसकी जगह आप गुड़ का पाउडर भी ले सकते हो। 1 कटोरी खारीक का पाउडर लिया है, आपके पास साबुत खारीक हो तो उसे मिक्सी में पीस कर आप इसका पाउडर बना सकते हो। अब सारी सामग्री हम मिक्सी जार में निकाल देते हैं। सारी सामग्री को मिक्सी में बारीक पीस कर निकाल देना है। हमने 2 बैच में इसे बारीक पीस लिया है। ये धना पंजीरी 15 से 20 मिनट में ही बन जाती है, बहुत स्वादिष्ट बनती है और इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। उसके बाद इसमें डाल देते हैं खारीक का पाउडर, 1 चम्मच डिंक का पाउडर। आप डिंक को फ्राई करके उसका पाउडर बनाकर भी इसमें डाल सकते हो। हमारे पास डिंक का पाउडर था तो हमने इसमें 1 चम्मच डिंक का पाउडर डाला है। 1/2 चम्मच विलायची जायफल का पाउडर भी डाल देते हैं और सारी सामग्री को अच्छे से मिला देते हैं। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। सारी सामग्री को हमने अच्छे से मिला दिया है। आप देख सकते हो कितने आसान तरीके से झटपट हमारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल सुंटौड़ा प्रसाद, या आप इसे धना पंजीरी भी बोल सकते हो, वो बनकर तैयार हो गया है। आप भी इसी तरीके से
एक बार धना पंजीरी बनाकर ज़रूर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर ज़रूर बताना। हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना भी भूलना मत। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही नई नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।